अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नेक्स्ट प्रोसीज करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या होता है, और फिर हमारे पास है सिंपल पेंडुलम क्या होता है, और इसका टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम। अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू, यानी कि बी हमारे पास है, और हमारे पास है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम, फिर हम एग्जांपल सी भी पढ़ेंगे। पहले हम बी की बात कर लेते हैं। बॉल एंड बाउल सिस्टम मतलब हमारे पास एक बाउल है, इस तरह से एक बाउल है, या आप घर में भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम एक बॉल लेते हैं छोटी सी, उसको यहाँ पर इस पॉइंट पर रखते हैं और छोड़ देते हैं। ये बताइए, ये बॉल किस तरफ जाएगी? इसको हम कह देते हैं ए, इसको हम कहते हैं ओ, इसको हम कहते हैं बी। अब ये जो बॉल है, ये ए से होती हुई ओ की तरफ आएगी, ऐसी है। ओ पर स्टॉप होगी? नहीं, ये चली जाएगी बी की तरफ, बी पर जाकर स्टॉप होगी, फिर ये बी से वापस आएगी ओ की तरफ, ओ पर स्टॉप होगी? नहीं, फिर ये वापस बी पर चली जाएगी। इसका मतलब है बी जो है ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पोजिशन है। इसी तरह जो ए है वो भी एक्सट्रीम पोजीशन है। और जो ओ है वो मीन पोजीशन है। ठीक हो गया। अब जो बी है, वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी जीरो, और इस तरह ए पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी जीरो, और मीन पोजीशन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम। कितनी होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम होगी। इस तरह जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहां पर मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहां पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसी तरह इसमें भी काइनेटिक एनर्जी हमारी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहां पर मिनिमम होगी। ठीक है, अब इस वाले केस में भी हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, एंड टूवर्ड द मेन पोजीशन होगा। ठीक है, तो ये वाली जो एग्जांपल है, ये भी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। इसके बाद बात करते हैं सी की, यानी कि थर्ड एग्जांपल हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? तो जो सिंपल पेंडुलम है, ये भी एक स्पेशल टाइप की एग्जांपल होती है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम आप सबने देखा होगा, क्लॉक के नीचे होता है। इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, और ये हैंगिंग पोजीशन में होता है इस तरह। एक हैवी मेटल, एक बॉल, इसको बोलते हैं बोब। ठीक है, ये हैवी मेटल का होता है, और इसके वेट की डायरेक्शन क्या होगी जी? डाउनवर्ड होगी। अच्छा, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसको हम खींच कर ले आते हैं जी इस पोजीशन पर। चलो जी, मैं कहता हूँ जी ये पोजीशन हमारे पास है ए, यहाँ पर इसकी पोजीशन है ओ। जब इसको हम छोड़ेंगे तो ओ से होता हुआ वापस फिर इस तरफ आएगा, और ये हमारे पास पोजीशन है जी बी। ठीक हो गया। चलो जी, ये हमारे पास बनेगा कि एंगल थीटा, यानी कि ये थीटा एंगल उतनी होगा जितनी हम फोर्स लगाकर इस ओ ओ से ए तक लेकर जाएंगे, किसी भी साइड पर, चाहे ओ पर लेकर जाएं चाहे बी पर लेकर जाएं। लेकिन जो हमारे पास दोनों का डिस्टेंस एक जितना ही होगा। अब जो थीटा है, ये वो एंगल है जो बनेगा जितनी हम फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस करवाएंगे ओ से ए तक। अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा डिस्प्लेस होगा, तो जो एंगल होगा वो भी ज्यादा बनता रहेगा। अच्छा, अब ये वापस भी आएगा इस तरह से। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन नहीं है, हल्की सी कर्व है। हम सपोज करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब इसका एक कंपोनेंट होगा इस तरह डायरेक्शन में, और इसके वेट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके वेट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड वेट। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं, चले मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास 90 होता है। वैसे भी थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? ये कौन सी साइड है? ये वाली, ये है परपेंडिकुलर।
तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इस वाले केस में देखें थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी है, दिस वन, यानी कि OA, OA जो साइड है ये होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, अब अगर इसमें बात करें हम परपेंडिकुलर कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, हम नाइन्थ में पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर तो वो साइन थीटा होता है, जो बेस होता है वो कॉस थीटा होता है। अब वेट है, वेट इज अ फोर्स, हमें पता है कि वेट जो होती है वो हमारे पास एक फोर्स ही होता है। ठीक है, अब फोर्स के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो होते हैं, एक होता है एफ एक्स कॉस थीटा और एक होता है एफ वाई साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। अगर फोर्स के दो कंपोनेंट है तो वेट के कितने कंपोनेंट होंगे, डेफिनेटली फोर्स जो है वो वेट ही है, फोर्स जो है वो वेट का दूसरा नाम है, तो वेट के भी दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से होंगे जी, डब्ल्यू कॉस थीटा और ये एक्स में है, और डब्ल्यू वाई साइन थीटा। ठीक है, इसको हम डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी, एम जी, तब इसको लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा। ठीक हो गया, अब इसका मतलब ये है कि जो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा ये वाला एम जी साइन थीटा, तो इसको हम यूज कर सकते हैं कि एम जी साइन थीटा, और जो ये वाला होगा कंपोनेंट ये होगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि वेट्स का डाउनवर्ड है और जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो अपवर्ड है। अब एक कंपोनेंट ने टेंशन साथ माइनस होना है, कट होना है, और वो कौन सा होगा, वो वाला कंपोनेंट होगा जो इस टेंशन के ऑपोजिट होगा। क्या वो एम जी साइन थीटा वाला है? नहीं, एम जी साइन थीटा वाला तो वो वापिस है, ओ की तरफ आ रहा है, तो जो एम जी कॉस थीटा ये डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है, तो ये दोनों इसको कैंसिल कर देंगे, एक्शन का रिएक्शन देगा, पीछे जो बचेगा वो बचेगा एम जी साइन थीटा। अब इसका मतलब ये है कि हमने इससे पहले केस में देखा था ना, मैस स्प्रिंग टाइप सिस्टम में हमने जो फोर्स अप्लाई किया है, खींचा है, वो फोर्स स्टोर हो चुकी है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर इस सिंपल पेंडुलम को मेन पोजिशन में लाने के लिए वो है एम जी साइन थीटा, ये याद रखना आपने। सिंपल पेंडुलम वाले केस में बॉब को वापस मेन पोजीशन में लाने वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है एम जी साइन थीटा, या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये आपने याद रखना। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। अब इसका जो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू टू पाई एल बाय जी। एल क्या है, एल इज द लेंथ इस थ्रेड की लेंथ, जी जी इज अ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, थ्रेड की लेंथ पर। हम मैस कोई भी यूज करें, 1 kg वाला मैस यूज कर लें, 10 kg वाला यूज कर लें, 1000 kg वाला यूज करें, टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। टाइम पीरियड तब चेंज होगा जब हम इस थ्रेड की लेंथ को चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें मैस वाला ऑप्शन नहीं है, इसमें लेंथ वाला ऑप्शन आ रहा है, एल आ रहा है, एल इज द लेंथ। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, स्ट्रिंग की लेंथ पर, बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। अब तो क्वेश्चन यू पूछा जाएगा, व्हाट विल हैपन विद द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ द बॉब। तो हमने कहना है देयर इज नो इफेक्ट बाय चेंजिंग द मास ऑफ बॉब, बिकॉज द टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नॉट ऑन द मास ऑफ द बॉब। राइट, इस चीज अपन याद रखनी है। अच्छा, एक और मैं आपको कंपेयर करके दे दूं, एक हमारे पास जो मैस स्प्रिंग अटैच सिस्टम ना उसका है हमारे पास 2 पाई एम बाई के, जो कि हमने पीछे भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वो मैस पर डिपेंड करता है, ये लेंथ पर डिपेंड करता है, ये आपने याद रखना है, दोनों में डिफरेंस। क्लियर हो गया। चले इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर हम बात करें ना डेफिनेशन की सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हमारे पास क्यों आती है, द मोशन अक्कर, सिंपल हार्मोनिक मोशन अक्कर होती है व्हेन अ नेट फोर्स परपेंडिकुलर, जब नेट फोर्स परपेंडिकुलर होती है टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब नेट फोर्स अप्लाई होती है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल When the net force directly proportional
to the displacement and directed towards its mean position. तब जो हमारे पास मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. इसकी कंडीशन हमारे पास होती है a डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल माइनस x. अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर ये वाला फैक्टर आ रहा होता है तो हम कहेंगे उस वो वाली मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. अगर ये फैक्टर नहीं आता तो उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. अगर हम बात करें फीचर्स की, फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स की बात करें तो याद रखना है पहला इसका पॉइंट, इसके कुछ तीन चार पॉइंट है. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. दूसरा पॉइंट हमारे पास हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द मेन पोजिशन. ठीक हो गया. एक तो वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर वो मेन पोजिशन के भी उसकी डायरेक्शन मेन पोजिशन की तरफ होती है. तीसरे हमारे पास का पॉइंट आ सकता है कि बॉडी जो भी होती है एग्जीक्यूट या बॉडी वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं मेन पोजीशन. ठीक हो गया. फोर्थ पॉइंट हमारे पास हो सकता है जी के जो वेलोसिटी होती है इज मैक्सिमम, जो कि हमने पढ़ा है मैक्सिमम एट मेन पोजीशन. मेन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है एंड मिनिमम होगी फिर वो मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास इसके कुछ फीचर्स आते हैं. ये आपने फीचर अच्छे से याद रखने हैं. ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है. इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और ये कंडीशन आपने याद रखनी है. क्लियर. सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या होता है, उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है. फिर हमने साथ डिस्कस किया सिंपल पेंडुलम क्या होता है विद डायग्राम, कौन सा फैक्टर होगा, कौन सा उसका फैक्टर होगा जो बॉब को वापस मेन पोजीशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. वो हमने कहा एमजी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा. ठीक है. फिर हमने इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला है. फिर हमने डेफिनेशन बताई और फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया. तो ये आपने अच्छे से क्लियर कर लेना. और ये हमारे पास तीन एग्जांपल थी, जो कि दो हमने ये पढ़ी है और एक जो एग्जांपल है पहले वाली वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है. आई होप कि आपको इस सारे की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई.